सिंगापुर के एक जंगल में मीनू चिड़िया अपने पति कालू किसान के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया के दो बच्चे थे, बेटे का नाम राजू और बेटी का नाम लाड़ो था। कालू अपने खेत में मटर उगाकर बेचा करता था और उसी से अपने घर का खर्च चलाता था। कई सालों बाद कालू के खेत में मटर की अच्छी फसल हुई थी। मटर की अच्छी फसल देखकर मीनू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस बार ईश्वर की कृपा से हमारी अच्छी फसल हुई है। इस फसल को बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे हम अपना पक्का घर बनाएंगे और अपने बच्चों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाएंगे। इस बार हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ, शायद भगवान को हमारी गरीबी देखकर हम पर दया आ गई। इस बार हमारे सिवाय किसी की भी मटर की फसल अच्छी नहीं हुई है। मैं कल ही सारी फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। फिर अगले दिन कालू कौवा अपनी मटर की फसल बेचने शहर जाने लगता है। तब मीनू उससे कहती है, सुनिए कालू जी, अभी आप मटर की फसल बेचने मंडी मत जाइए। जब बारिश रुक जाए तब जाना, अभी बहुत तेज बारिश हो रही है। नहीं मीनू, मुझे अभी जाना होगा। अगर देर हो गई तो शहर की मंडी बंद हो जाएगी और बारिश का क्या पता कि वो कब रुकेगी। तभी कालू की बेटी लाड़ो कहती है, पापा आप मेरे लिए शहर से क्या लेकर आओगे? तू ही बता दे, जो तू कहेगी मैं तेरे लिए वही ले आऊंगा। पापा आप मेरे लिए शहर से एक सुंदर सी गुड़िया लेकर आना। और पापा मेरे लिए रिमोट वाली गाड़ी लेकर आना। ठीक है, अब तुम अपने पापा को जाने दो, उन्हें देर हो रही है। कालू कौवा खुशी खुशी शहर की मंडी में मटर की फसल बेचने चला जाता है। वहाँ शहर की मंडी में कई पक्षी अपनी अपनी मटर की फसल बेचने के लिए आए हुए थे। कालू कौवा ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में मटर की कीमत बहुत कम मिल रही थी। अब मैं क्या करूं, इस मंडी में तो मटर की कीमत बहुत कम मिल रही है। इतने पैसों में तो हमारा लागत भी नहीं निकलेगा। खाद पानी और हमारी मजदूरी का भी पैसा नहीं मिल रहा। कालू अपनी मटर की फसल बेचे बिना ही सारी फसल लेकर अपने घर वापस आ जाता है। ये मैं क्या देख रही हूँ जी, आप तो अपनी मटर की फसल बेचने गए थे ना, तो आप बेचकर क्यों नहीं आए हैं? कालू को वह दुखी मन से सारी बातें मीनू चिड़िया को बताता है। हे भगवान, हमारे सारे सपने टूट गए, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप इन सारी मटर को एक कमरे में रख दो, अब से हम इन्हीं को खाकर अपना गुजारा करेंगे। इस तरह वो पूरा परिवार उस मटर को ही खाकर अपने दिन काट रहे थे। एक दिन मीनू अपने बच्चों को मटर खाने को देती है तो उसकी बेटी उससे कहती है, क्या माँ, आप हर दिन मुझे यही खाने को देती हो, आज हमें ये नहीं खाना, आज मुझे आपके हाथ के बने मटर के पराठे खाने हैं। हाँ माँ, मैं भी मटर के पराठे खाऊंगा, वरना भूखा ही रहूंगा। अच्छा बाबा, आज मैं तुम दोनों के लिए मटर के पराठे ही बनाऊंगी, आप खुश? दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। मीनू चिड़िया मटर के पराठे बनाने के लिए रसोई में आती है। ये क्या, तेल का डब्बा तो बिल्कुल खाली पड़ा है, इसमें तो तेल है ही नहीं। ऐसा करती हूँ, मैं बिना तेल के ही तवे पर सेक देती हूँ। फिर मीनू चिड़िया अपने बच्चों के लिए मटर के पराठे बनाती है। आओ बच्चों, तुम्हारे मटर के पराठे तैयार हैं। दोनों बच्चे मटर के पराठे खाते हैं। माँ, आपके मटर के पराठे तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। मीनू भी मटर के पराठे खाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतने स्वादिष्ट मटर के पराठे बनाए हैं। वाकई में ये मटर के पराठे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसा करती हूँ, मैं कल से मटर के पराठे ही बेचना शुरू कर देती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की ही इच्छा हो और हम मटर के पराठे बेचकर अमीर हो जाएं। मीनू अगले ही दिन से मटर के पराठे बेचना शुरू कर देती है। उसकी दुकान पर कई पक्षी मटर के पराठे खाने आते हैं। इससे उस
उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। देख लिया जी, ये मटर की फसल हमारे बहुत काम आई। अब तो आप हर सीजन में अपने खेत में मटर की फसल ही उगाइएगा। अब हमें मटर की फसल मंडी में बेचने की कोई चिंता नहीं। ये लीजिए कुछ पैसे और दोनों बच्चों को ले जाकर एक अच्छे स्कूल में उनका दाखिला करवा दीजिए। हाँ मीनू, वो बात तो सही है, लेकिन मुझे अपनी दोस्त के यहाँ उसकी बेटी की शादी में जाना है। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो वो नाराज हो जाएगा, इसीलिए मुझे वहाँ जाना होगा। तो मैं वहाँ से वापस लौटते समय अपने बच्चों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दूंगा। अच्छा तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। ये कहकर कालू कौवा अपनी दोस्त के यहाँ उसकी बेटी की शादी में चला जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा शहर से वापस आ रहा था कि तभी अचानक से एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे में उसकी मौत हो जाती है। जब इस बात का पता मीनू को चलता है तो वो तीनों माँ बेटे बहुत दुखी होते हैं। इसी तरह धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन मीनू चिड़िया कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर में जो पैसे थे वो सब भी खत्म हो गए। अब मैं अगर बाहर काम करने भी जाऊंगी तो घर पर मेरी बच्चों की देखभाल कौन करेगा? अब मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मैं एक काम करती हूँ, मैं गांव से माँ जी को वापस बुला लेती हूँ। कम से कम वो मेरे बच्चों की देखभाल तो करती रहेंगी। ये कहकर मीनू चिड़िया अपनी सास को फोन करती है और उसे वापस अपने घर बुलाती है। फिर अगले दिन मीनू चिड़िया की सास गांव से वापस आती है। तब ऐसे में एक दिन मीनू चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज कालू जी को गुजरे 6 महीने हो गए। मैंने इतने दिनों से जैसे तैसे करके घर का खर्च चलाया, लेकिन अब घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे करमजली, मेरे घर की ये दुर्दशा तेरे कारण हुई है। अगर उस दिन तू मेरे बेटे को शहर जाने से मना कर देती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। लेकिन माँ जी, उनका वहाँ जाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने उन्हें नहीं रोका। अगर आप कहें तो मैं बाहर जाकर कोई काम कर लूं। कुलक्षणी, मेरे बेटे को खाकर तेरा पेट नहीं भरा, अब क्या नाते रिश्तेदारों में भी मेरी नाक कटवाना चाहती है? अगर तू बाहर जाकर काम करेगी तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे? आज तक हमारे घर की किसी बहू ने बाहर निकलकर काम नहीं किया। माँ जी, आपको अपने रिश्तेदारों की फिक्र है, पर अपने पोता पोती की नहीं। मुझसे अपने बच्चों की भूख देखी नहीं जाती है। मैं कल से खेत में जाकर काम करूंगी, आप घर पर बच्चों की देखभाल करना। कैसे करेगी तू खेती? कभी तूने खेत में काम किया है? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। मीनू चिड़िया अपने खेत में काम कर रही थी कि तभी उसके पास एक बूढ़ा तोता आता है। आइए आइए काका, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बिटिया, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मैंने तुम्हें खेत में काम करते हुए देखा तो तुम्हारे पास चला आया। मुझे थोड़ा पानी पिला दो, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। यहाँ कहीं आसपास तालाब या कुआं भी नजर नहीं आ रहा है। काका अभी रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर मीनू पानी लेने जाती है और साथ में रोटी भी लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए काका, मेरे पास ये सूखी रोटी है, आप इसे खाकर पानी पी लीजिए। मेरी माँ कहती थी कभी खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। बूढ़ा तोता रोटी खाकर पानी पी लेता है। बिटिया, तुमने मेरी प्यास बुझाई है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो मटर के बीज, तुम इन्हें अपने खेत में बिखेर देना, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ये कहकर बूढ़ा तोता वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही बबली कबूतरी मीनू चिड़िया के पास आती है। अरे मीनू बहू, ये बूढ़ा तोता तुमसे क्या कह रहा था? तुम इसकी बातों पर ज्यादा विश्वास मत करना, ये ऐसे ही मूर्ख बनाकर कुछ लूट लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है काकी, काका को प्यास लगी थी, वो पानी पीने आए थे और जाते जाते मुझे मटर के बीज भी देकर गए हैं।
मीनू बहू, तू भी क्या ये खेत के चक्कर में पड़ रही है? ऐसा कर, तू मुझे अपना खेत किराए पर दे दे, मैं हर महीने तेरे खेत का किराया तेरे घर पहुंचा दिया करूंगी। नहीं काकी, इस खेत पर मेरे पति खेती किया करते थे, अब मैं क्या करूंगी? जैसी तेरी मर्जी, मैं तो तेरी भलाई के लिए ही कह रही थी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ये कहकर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मीनू चिड़िया काका के दिए हुए बीजों को अपने खेत में बो देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मीनू अपने खेत पर आती है तो वो देखती है कि उसके खेत में मटर की फसल लहरा रही है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर मीनू सारी मटर को तोड़कर बाजार में ले जाकर बेच देती है। जो पैसे मिलते हैं उन पैसों को लाकर अपनी सास को दे देती है। पिंकी भी अपने बुरे बर्ताव के लिए मीनू से माफी मांगती है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे काबिलियत पर शक किया, और आज से ये पैसे भी तू ही रख और तू ही अब घर की जिम्मेदारी संभाल। इस तरह मीनू चिड़िया अपनी मटर की खेती करके खुशी खुशी अपनी सास और अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। मथुरा के एक जंगल में मीनू चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया का पति कालू कौवा मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। एक दिन कालू कौवा शाम को अपने घर आता है तो उसे उदास देखकर मीनू चिड़िया उससे कहती है, क्या बात है कालू जी, आप आज बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, ऐसी क्या बात है, जरा मुझे भी तो बताओ। वो मीनू, मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। क्या, मालिक ने आपको काम से निकाल दिया? पर क्यों, आपसे ऐसी क्या गलती हो गई जो उन्होंने आपको काम से निकाल दिया? मीनू, मालिक को हमारी खेत की जमीन चाहिए, मालिक उसमें पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं और मैंने खेत देने से मना कर दिया। मालिक नाराज हो गए और मुझे काम से निकाल दिया। कालू जी, अच्छा हुआ कि आपने मालिक को खेत देने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, अगर मजदूरी नहीं है तो क्या हुआ, खेत तो है ना, हम दोनों मिलकर उसमें खेती करेंगे। और फिर अगले ही दिन से कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ खेती करने लगता है, और उधर सेठ जी का वफादार राजू कौवा उसके कान भरने लगता है। मालिक, जब घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। क्या क्या मतलब है तेरा राजू, जरा खुल कर बता, यूं पहेलियां मत बुझा। मालिक, दीवारों के भी कान होते हैं, जरा आप अपना कान इधर तो लाना, फिर मैं आपको सारी बातें खुल कर बताता हूँ। फिर राजू कौवा फुसफुसाते हुए मालिक के कान में कुछ कहता है। फिर उसी रात मीनू चिड़िया के घर में आग लग जाती है। मम्मा आप कहाँ हो, मुझे बचाओ मम्मा, मेरा बदन जल रहा है, मम्मा मुझे बचाओ ना। हे भगवान, इतनी भयंकर आग कैसे लग गई हमारे घर में। सुनो जी कालू जी, आप टुनटुनी को बचाओ, मैं लाड़ो को बचाती हूँ। कालू जी जल्दी करो, नहीं तो हमारी दोनों बच्चियाँ खतरे में पड़ जाएंगी। मीनू चिड़िया और कालू कौवा किसी तरह अपनी दोनों बेटियों की जान बचा लेते हैं, पर इस आग में वो दोनों हादसे के शिकार हो जाते हैं और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। फिर अगले ही दिन सेठ उसके खेत पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि सारा किया धरा तो उन दोनों का ही था। इस हादसे के बाद टुनटुनी चिड़िया और लाड़ो चिड़िया जंगल जंगल भटकने लगती हैं। एक दिन पिंकी चिड़िया अपने खेत से पके पके काले काले रसीले जामुन तोड़कर अपने घर ले जा रही थी। पिंकी आंटी, हमने कल से कुछ नहीं खाया, हम दोनों बहुत भूखे हैं, हमको थोड़े से जामुन खाने को दो ना। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर पिंकी चिड़िया कहती है, लाओ 10 रुपए, मैं अभी तुम दोनों को जामुन देती हूँ, 10 रुपए में एक ही गुच्छा मिलेगा जामुन का। लेकिन आंटी जी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं? तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, चलो भागो यहाँ से, मेरे पास तुम गरीबों को देने के लिए कुछ भी नहीं है।
पिंकी चिड़िया की बात सुनकर दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं और जंगल में इधर उधर भटकने लगती हैं और वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती हैं। तभी उन दोनों को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। लाड़ो, क्या तुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है? लगता है कोई मुसीबत में है, चल हम दोनों चलते हैं। हाँ दीदी, जरूर कोई मुसीबत में है, मुझे भी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। चलो हम दोनों चलते हैं, उसे हमारी मदद चाहिए होगी। तब टुनटुनी चिड़िया और लाड़ो चिड़िया उस आवाज़ की तरफ जाती हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक घायल जादूगर दिखाई देता है। उसे देखकर दोनों हैरान रह जाती हैं। तब वो जादूगर कहता है, मेरी मदद करो, मेरे ऊपर एक बिल्ली ने हमला कर दिया जिसकी वजह से मैं घायल हो गया। पास में ही मेरी झोपड़ी है, तुम दोनों मुझे वहाँ लेकर चलो, तुम दोनों की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ जादूगर जी, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। चलिए बताइए कहाँ है आपका घर, मैं आपको आपके घर ले चलती हूँ। फिर दोनों बहनें जादूगर को किसी तरह उसके घर लेकर आती हैं। टुनटुनी चिड़िया जादूगर की मल्लम पट्टी करती है। कुछ देर बाद जादूगर कहता है, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम दोनों की वजह से आज मेरी जान बची है। तुम दोनों कहाँ रहती हो? जादूगर जी, हम आपके पास वाले जंगल में ही रहते हैं, पर हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। फिर रोते रोते टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। तब जादूगर कहता है, बेटा अगर तुम दोनों बुरा ना मानो तो मेरे घर में रह सकती हो, अभी तो तुम्हारा कोई घर नहीं है ना। अगर तुम दोनों मेरे घर में रहोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। टुनटुनी चिड़िया जादूगर की बात मान लेती है और दोनों बहनें वहीं रहती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया उस जादूगर का बहुत ख्याल रखती। देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया उस जादूगर का दिल जीत लेती। और फिर एक दिन, टुनटुनी बेटा चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। फिर जादूगर कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ अपने जादुई खेत में लेकर आता है और उसे कुछ बीज देता है। तब टुनटुनी उससे कहती है, जादूगर अंकल ये किस चीज के बीज हैं? टुनटुनी बेटा ये जादुई जामुन के बीज हैं, इन्हें तू एक एक करके इस जमीन में दबा दे। जादूगर कौवे की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया एक एक करके जमीन में बीजों को दबा देती है। टुनटुनी बेटा अब तू रोजाना इन बीजों में पानी देना। फिर अगले दिन से रोजाना टुनटुनी चिड़िया सुबह शाम उन बीजों में पानी देती। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक से उस खेत में बड़े बड़े जामुन के पेड़ निकलते हैं। उन पर बहुत ही बड़े बड़े जामुन लगे होते हैं जो कि बहुत तेज चमक रहे थे। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े जामुन, ऐसा जादू तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हाँ टुनटुनी बेटा, मैं हर बार ऐसा ही करता हूँ। अपने खेत में मैं जामुन उगाता हूँ और जामुन बेचकर जो पैसे आते हैं उन्हें गरीबों को बांट देता हूँ। जादूगर अंकल आप बहुत ही अच्छे और नेक दिल के पक्षी हैं। आप जैसे नेक दिल के पक्षी इस जंगल में बहुत कम हैं। टुनटुनी बेटा तू भी बहुत अच्छी है, इसलिए तू रोजाना इस खेत में आना और अब तुझे मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तू रोजाना यहाँ से जामुन तोड़कर बाजार में बेचना और जो पैसे आए उनसे तुम दोनों बहनें अपना पेट भरना। टुनटुनी चिड़िया जादूगर की बात मान लेती है। अब रोजाना टुनटुनी चिड़िया खेत में आती और वहाँ से जामुन तोड़कर बाजार में ले जाकर बेच देती, जिससे उसके पास कुछ पैसे आ जाते। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन के साथ एक अच्छे से घर में रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जामुन ले जाकर बाजार में बेच रही थी। तभी उसे सेठ मिट्टू तोता देख लेता है और वो उसके हाथ में इतने सारे जामुन देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि आखिरकार इसके पास इतने सारे जामुन आए कहाँ से। अरे आखिरकार इस चिड़िया के पास इतने सारे जामुन कहाँ से आए? ये महारानी इतनी अमीर कैसे हो गई?
कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। इतना सोच कर मिट्टू तोता सेठ अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया का पीछा करता है और उसका पीछा करते करते वो उस जादुई खेत में पहुंच जाता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है, ये महारानी यहाँ से अमीर हुई है। अभी रुक, मैं अपने साथी को लेकर आता हूँ और यहाँ से सारे जामुनों को तोड़ कर ले जाता हूँ, उसके बाद मैं भी अमीर हो जाऊंगा। ये सोचकर सेठ मिट्टू तोता वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह अपने साथी के साथ उस खेत में आता है। देखो राजू, जल्दी करो, इन पेड़ों से सारे जामुनों को तोड़कर इन टोकरी में भर लो और यहाँ से लेकर चलो, उसके बाद हम भी अमीर हो जाएंगे। जैसे ही वो दोनों जामुनों को तोड़ने जाते हैं कि तभी जमीन हिलने लगती है और सारे पेड़ जमीन के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ अचानक से जादूगर आ जाता है। तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई मेरे जामुनों पर बुरी नजर रखने की? देखो अब मैं तुम दोनों का क्या हल करता हूँ, और अब तुम दोनों मेरे क्रोध का भोजन बनोगे। ये कहकर जादूगर कौआ अपनी छड़ी घुमाता है और देखते ही देखते दोनों पक्षी चूहों में बदल जाते हैं और आज मिट्टू तोता सेठ को उसकी करनी का फल मिल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन के साथ अपना एक खुशहाल जीवन बिताती है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें भूखों का पेट भरना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि मीनू चिड़िया को मटर के बीज किसने दिए थे? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।